सो गाइस शाम के बजे हैं 7:30। आज ना मतलब पूरे दिन मूड इतना ज़्यादा ख़राब रहा कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट शो, मतलब जो मैं न्यूज़ देखना पसंद करता था, रोहित सरदाना की जो आता था दंगल करके, मॉर्निंग में ही पता लगा कि उनकी ना मॉर्निंग में नहीं, हमको पता चला 2 बजे के आसपास, हाँ, ना कि वो एक्सपायर हो गए हैं। एक्चुअली उनको भी कोरोना था, लेकिन कोरोना से वो रिकवर हो गए थे। उसके बाद सुनने में आ रहा है कि उनको हार्ट अटैक, रिकवर नहीं हुए थे, मतलब आईसीयू में थे, उसके बाद वेंटिलेटर पे चले गए, वेंटिलेटर पे चले गए, ऐसा बोल रहे कि हार्ट अटैक हो गया। मतलब एक इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थे, मतलब शो देखने में ना मतलब लगता था कि हाँ कोई नॉलेजेबल बंदा, मतलब जो मंत्री थे उनसे ज़्यादा नॉलेज तो सरदाना सर को लगती थी कि उनको है। ऐसे बंदों को भी हमारी गवर्नमेंट बचा नहीं पा रही है, तो पता नहीं ये कहाँ कोरोना मतलब कहाँ लेके जाएगा हमें। और मैं पता है क्या सोच रहे थे, मतलब ना देखो क्या होता है, जब कि इंसान ना पहले स्कूलिंग करता है, उसके बाद एक कोर्स करता है, उसके बाद कितनी इंटर्नशिप, कितना स्ट्रगल लाइफ में, और ये सब कुछ जो एक स्ट्रगलिंग वाली लाइफ होती है ना, जो करियर के लिए पीक टाइम होता है, वो जाके 30 साल तक इंसान अपना करियर थोड़ा स्टैब्लिश कर पाता है। तो अपना करियर स्टैब्लिश करने में आधी उम्र इंसान की निकल जाती है, फिर मैरिज होती है, फिर वो मैरिज लाइफ सेटल करने में भी बहुत टाइम लगता है, एक दूसरे को समझने में, चाहे वेदर लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, बट लव है, उसके बाद मैरिज करने के बाद की जो लाइफ होती है ना वो बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये सब चीज़ें सेटल करने में इंसान के कितने साल चले जाते हैं, और टीवी पे इतना उन्होंने मुकाम हासिल किया, तो ये आसान नहीं है। देखना आसान लगता है कि हाँ उनके इंस्टा पे ब्लू टिक है, वो एक शो करते थे, बट उसके बिहाइंड जितना स्ट्रगल है ना, एक इंसान को पहुँचने में बहुत वक्त लग जाता है, बहुत पेन लेना पड़ता है, बहुत मेहनत, बहुत कॉम्पिटिशन, तो ये सब कुछ करके ऐसा लगता है कि हाँ अब इंसान इस एज में कहीं ना कहीं थोड़ा सेटल हो गया है, एक फैमिली बन गई है, उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, नाउ कह सकते हो कि ऑलमोस्ट आधी उम्र निकलने के बाद इंसान कुछ हद तक सेटल हो जाता है, करियर वाइज भी, फैमिली वाइज भी, बच्चे भी हो गए, फिर अब लगता है कि नाउ वी आर द हैप्पी फैमिली, बस अब कमाना और खाना है लाइफ में। और इस टाइम पे क्या ही एज थी उनकी, मतलब एकदम ऐसा लगता है, बहुत हर्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी। आई एम ईशा गोयल करके IAS ऑफिसर है, उन्होंने अपने उस पर पोस्ट पे ये पोस्ट डाला, जैसे मैंने उनकी पोस्ट देखी मैंने दीपक को इमीजिएट पूछा, तो बोला पागल है क्या तू, फिर एकदम हमने गूगल पे सर्च किया, मतलब यार। और अब शाम को हम देख रहे थे, बहुत भगवान शांति दे उनकी आत्मा को, छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं और उनकी छोटी वाली बेटी, इंस्टा पे मैं उनका अकाउंट देख रही थी, छोटी वाली बेटी तो इतनी क्यूट है, मतलब पूरी जिंदगी यार कैसे निकलेगी, मतलब इंसान हम क्या, अब हम उनको टीवी पे देखते हैं, हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, पर मतलब एक फैमिली के ऊपर कितना दुखों का पहाड़ टूट जाएगा, उनके पेरेंट्स भी हैं और उन्होंने जब ये न्यूज़ सुनी होगी, बंदा वेंटिलेटर पर है, और बहुत मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं दुनिया कहाँ जाके रुकेगी, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं था कि उनकी हेल्थ में कोई इशू था, मतलब वीक थे, या मतलब एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी, अच्छी खासी हेल्दी बंदा था, 41 साल का बंदा जो कोरोना से पीड़ित होके ICU मतलब वेंटिलेटर पे चले जाता है और कुछ दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अपनी केयर आपके हाथों में ही है, कोई किसी की केयर नहीं कर रहा है, इंडिया की कंजेशन इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कृपया करके जितना हो सके अपनी केयर करें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, और कम से कम ही घर से बाहर निकलें। कुछ कहना चाहूँगा, कम से कम निकले यार, मैं अब तो ये भी नहीं कह सकती कि कम से कम निकलो, मतलब जो लोग घर में रह रहे हैं ऐसा नहीं है कि उनको कोरोना नहीं हो रहा, मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो बिल्कुल नीचे भी नहीं उतरते, घर के अंदर रहते हैं, उनको कोरोना हो रहा है, तो समटाइम्स ऐसा पर्सनली फील होता है, मतलब कि भाई अब तो ये एयर में भी हो चुका है, मतलब कितना फियर है, कितना डर है, सोचो हम पे भी क्या बीत रही है, मतलब हम सिर्फ 3 डेज हुए थे हमको डिटेक्ट हुए कि हम वी आर कोरोना पॉजिटिव, उन 3 दिनों में हम 24 में से 21 घंटे सोते रहे हैं, होश नहीं था हम दोनों को,
और उसके इमीडिएट बाद हमको पता चला कि इनकी मम्मी को, मेरी मदर इन लॉ को कोरोना हो गया है। तो अब उस मोमेंट पे वो ओल्ड एज है, उनको करके देना, हमको नहीं मालूम है कि हमने कब में रिकवर कर लिया। और फिर जैसे 4 दिन उनका काम हमने किया, कैसे भी करके मैनेज हुआ, अच्छे से मैनेज हुआ, हमको काम करने में भी प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारी बॉडी ने भी हमारा साथ दिया। और जैसे ही 7 डेज गए और मजबूरन हमने हमारे बच्चे मेरी मम्मी के यहाँ भेज दिए थे, और 7 दिन बाद बैड लकली कह सकते हो कि मेरे भाई को कोरोना हो गया और बच्चे हमको वापस यहाँ बुलाने पड़े। तो मतलब कितना मुश्किल है प्रैक्टिकली मैनेज करना ये चीज़ें, ना सुनने में बहुत आसान लग रही है। मतलब वी आर कोरोना पेशेंट, वी आर स्टिल पॉजिटिव, हमारी कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई थी, देन मम्मी इज़ पॉजिटिव, और उस माहौल में अपने साथ बच्चों को रखना इज लाइक, एक ख्याल भी आता ना, एक ख्याल भी कि कहीं बच्चों को, मतलब वो सोच ना अंदर से तोड़ देती है। मतलब कैसे, एनी हाउ स्टिल वी आर उस पोजीशन पे हैं कि वी कैन नॉट से कि अभी हम सेफ हैं या कुछ नेगेटिविटी का माहौल नहीं है, कहीं ना कहीं माइंड में अभी भी डर है सिर्फ बच्चों को लेकर। बिकॉज कैसे भी करके मैनेज हो जाता कि बच्चे अगर 20 दिन हमसे दूर रहते, मम्मी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, मम्मी रिकवर हो जाती, देन हम बच्चों को घर लेके आते। बट 7 डेज पॉजिटिव केस में आप अपने बच्चों को वापस लेके आ रहे हो, उनको अपने हाथों से खाने को बना के दे रहे हो। लोग बोल रहे हैं कि बच्चों को लाके गलती करी है, बच्चों को लाके गलती करी है। टेल मी ना, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब हमारे पास रहेंगे तो कम से कम हमारी आईज के सामने है, तो हम जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा केयर कर रहे हैं। और बच्चे कहीं और भेजते तो वी कांट टेक दैट मच ऑफ चैलेंज, मतलब कहीं और हम भेज नहीं सकते। एक और भी चीज है ना कि अगर आप बड़े बंदे को, मुझे पता है, इसको पता है कि वी आर पॉजिटिव, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हम मास्क वियर कर सकते हैं, हम सेपरेट रूम में रह सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ की टच की हुई चीज़ें दूसरे तक ना पहुंचे। बट बच्चों के केस में इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि बच्चों को आप रोक सको। आप चाह चाह के भी कह के थक जाओगे कि नहीं इधर नहीं आना, इसको नहीं छूना, बच्चे नहीं मानते यार, नहीं मानते। उनको समझाना बहुत ज़्यादा टफ है। आपने उनको समझा दिया, उनको समझ आ रहा है कि वायरस है, उनको समझ आ रहा है कि ये डेंजरस है, उनको समझ आ रहा है कि मम्मी पापा को कोविड हो रखा है, पर उनको ये बार 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 हर एक सेकेंड में याद दिलाना कि भाई हमसे गैप मेंटेन करो। लाइक मेरा छोटा बेटा इज कि मम्मी हम गले कब मिलेंगे, और हम गले ऐसे मिल रहे हैं। मैंने उसको सिखाया कि बेटा अब हम थोड़े दिन गले ऐसे मिलेंगे, ऐसे हम दूर से ऐसे कर रहे हैं, हम दूर से गले ऐसे मिल रहे हैं। मतलब सोचो, बच्चा वापस आ रहा है, आप उसको गले नहीं लगा पा रहे हो, आप उसको टच करते हुए डर रहे हो, आप उसको नहला रहे हो क्योंकि ऑप्शन नहीं है, आपको ही नहलाना पड़ेगा, आप उसको ब्रश करा रहे हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं डर रहे हो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे मालूम है, हमारा दिल जानता है कि हम इस सिचुएशन से कैसे डे बाय डे रिकवर हो रहे हैं। हम फिजिकली रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं और हो रहे हैं दवाइयां खा खा के, बट मेंटली ना, मेंटली क्या वीकनेस इतनी है, ये 250 ग्राम का कैमरा भी ना, मतलब अब शेक करने लगता अब है। मेरे हाथ में ना दर्द हो गया कि अब चल रख दो यार इसे, अब नहीं पकड़ा। बहुत वीक हो गई अंदर से बॉडी। बस यही है। एक चीज और है, जब बच्चे नहीं थे तो हमने मम्मी का भी काम करके दे दिया आफ्टर 3 डेज, हमको उतना वीक नहीं लगा। बट जब बच्चे आ गए तो बच्चों का काम इतना एक्सट्रीम बढ़ जाता है, इतना एक्सट्रीम बढ़ जाता है। पहले क्या हो रहा था कि हम लेटे लेटे टीवी देख रहे हैं, मम्मी को बना के दे दिया, 1 घंटा खाना बनाने में लगा, देन वी आर फ्री अगेन, हम टीवी देख रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं यार हम ना टीवी ना अब कम देखेंगे, क्योंकि टीवी हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और इस वाली स्टेज में टीवी देख के हम और भी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। सो अब जब बच्चे आ गए तो भैया बच्चों का तो इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है। टीवी ऐसा ऐसा टाइम हो जाता है कि अब 7:30 बजे शाम को हमने टीवी ऑन किया। टीवी मतलब काम, आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा है कि मेड नहीं, हम मेड को हमने उसी टाइम मना कर दिया था जब हमको पता चला कि हमको कोविड के सिम्टम्स है, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट कि हमारी वजह से किसी थर्ड बंदे को ये डिसीज़ लगे। डिसीज़ क्या, गंदी बीमारी, महागंदी बीमारी। खैर यार, अपना ध्यान रखो। एक चीज़ बोलूँगी कि बस इस टाइम पे हमने जो सीखा है ना, वो ये है कि एक तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। जैसे ही पता चलता है बहुत सारे केसेस में कि कोविड हो गया है, बंदा थोड़ा
डिप्रेशन में चला जाता है, ज़्यादा एक्सट्रीम टेंशन में चला जाता है। इतने डरने की कोई बात नहीं है, बस ये है कि मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी मेडिसिन टाइम पे स्टार्ट कर दो। अलॉन्ग विद द मेडिसिन आप घर की जो होम रेमेडीज़ होती हैं, ये काढ़े वाढ़े ये वो एंड ऑल, प्रॉपर टाइम पे लेना स्टार्ट करो। दोनों चीज़ें पैरेलल में चलेगी तो इंसान ईजिली जल्दी रिकवर हो जाएगा। बाकी हॉस्पिटल्स की कंडीशन इज़ टू बैड, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ICU, वेंटिलेटर, और अब प्रैक्टिकली जब सर की हमने न्यूज़ देखी, मतलब एक दिमाग में मेरे बहुत गंदी नेगेटिव थॉट आ चुकी है कि हॉस्पिटल जाना इस समवेयर अपने आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे हैं कि जो हॉस्पिटल जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा, तो डोंट गो हॉस्पिटल। सब हाथ थक गए इसके, हाथ थक गए। और दूसरी बात ये है कि अभी भी न्यूज़ में ये आ रहा है कि इसका पीक आना बाकी है, तो अभी 3.5 लाख केस के बाद भी पीक आएगा, तो पता नहीं कितने केसेस पड़ जाएंगे। तो कृपया करके अपना ख्याल रखें। और इसको सांस फूल गए हैं, बोल मैं रही तब से मतलब इतनी एनर्जी है नहीं। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद नहीं मतलब कल की वीडियो में, और ये वीडियो कल डलेगी। और अभी हम जा रहे हैं तो काम चोर है, हाँ खाना कौन बनाएगा, खाना बर्तन भी तो साफ करने हैं, करके आ गई हूँ मैं, ये इसका काम है, लगना ही लगना। देखो अभी स्मेल लेके लड़ रहे हैं।